हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स देखिए, प्रीवियस हिंदी की वीडियो में हमने अच्छे से अध्ययन किया था संज्ञा का, नाउन का। आज जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, इसमें हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम का। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जानेंगे, कितने उसके भेद होते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने संज्ञा के 5 भेद बताए थे, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था, सर ये गलत बताया आपने, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन सामान्यतः और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 5 भेद होते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आप ये याद जरूर रखें कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के बाद फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने साथ में प्रश्न उत्तर सेट इंक्लूड किया है वीडियो के एंड में, जिससे आपको मदद मिलेगी सर्वनाम को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए, सेंट्रल के जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी आती है, खासकर SSC के एग्जाम में, ठीक है, और अन्य एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें और कमेंट और लाइक के द्वारा प्रतिक्रिया दें कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, उससे पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, हमारा एक फेसबुक पेज है फ्रेंड्स, देवभूमि करियर पॉइंट नाम से। देखिए फ्रेंड्स, उस फेसबुक पेज पे हम छोटी छोटी चीज़ें या इवेंट क्रिएट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप उस पेज को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस पेज को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दी है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम GS के क्वेश्चन आपस में डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड्स चलते हैं सर्वनाम की तरफ, तो जान लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में संज्ञा के बारे में जाना था हमने, आज जानेंगे सर्वनाम के बारे में। देखिए, संज्ञा का ही पूरक है सर्वनाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संज्ञा का ही पूरक है सर्वनाम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ राम जाओ और पानी लाओ। ठीक है, राम जाओ और पानी लाओ, यहाँ पर राम क्या है, संज्ञा है। अब मैंने राम मेरे सामने और मैंने दोबारा उसको बोला तुम जाओ और पानी लाओ, तो राम की जगह मैंने क्या यूज किया, तुम यूज किया, तो संज्ञा की जगह सर्वनाम यूज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही कहा जाता है सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं मैं, हम, तुम, वे, आप, आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के होते हैं फ्रेंड्स 6 भेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं आगे हम जानेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये क्या है। तो जो शब्द पुरुषों या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, पुरुष जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया राम वाला, ऐसे ही वाक्य में ऐड होके जो सर्वनाम आते हैं वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 3 भेद होते हैं, जो कि होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष के जो एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स वो है मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको। ठीक है, जिसमें आप कहीं ना कहीं देखेंगे ज़्यादातर एक बोध होगा किसका, हम और हमारा, हमको, मुझको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मध्यम पुरुष में सीधे आप इनडायरेक्टली बात करते हैं, अगर मैं बात करूं तो ये हो गया इंग्लिश के हिसाब से हम चले तो प्लूरल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं का क्या हो जाता है, तुम हो जाता है ना, वैसे जैसे आई का यू हो जाता है, वैसे यहाँ पे मध्यम पुरुष में होता है, देखिए मैं का तू हो गया मध्यम पुरुष में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये मध्यम पुरुष में जो यूज होते हैं वर्ड्स वो होते हैं मैं, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष में देखिए कोई बोध नहीं होता, पता नहीं चलता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अन्य पुरुष में कोई पता नहीं चलता कौन है, वह, यह, वे, ये, इन्हें, उन्हें, इनसे। अब इसमें जेंडर का पता थोड़ी चल रहा है, पुरुष है या स्त्री है। अन्य पुरुष के जब हम सर्वनाम यूज करते हैं तो वहां पर ये पता नहीं चलता कि ये किसके लिए हो रहा है, जेंडर का पता नहीं चलता इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला जो भेद है फ्रेंड्स वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसा कि पता चल रहा है डेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, तो निश्चयवाचक में क्या होता है, देखिए पास या दूर की वस्तुओं, व्यक्तियों का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से प्रकट होता है
निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वस्तुएं जो आपके पास या दूर रखी हुई है, निश्चित हैं वस्तुएं, ठीक है, और जिन शब्दों से उनका बोध प्रकट हो रहा है वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, वह, ये, वे आदि, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यह मेरा घर है, तो घर है ना वहाँ पे निश्चित है, डेफिनेट है, और कौन सा सर्वनाम यूज कर रहा हूँ मैं, यह कर रहा हूँ, ठीक है। वह कुर्सी है, कुर्सी सामने पड़ी है, मैंने बोला वह कुर्सी है, तो वहाँ पे डेफिनेट सर्वनाम यूज हो रहा है वह, ठीक है। वे पुलिसकर्मी है, ठीक है, वो पुलिस है, डेफिनेट पुलिस है वो, मैं आपको बता रहा हूँ वो पुलिस है, तो वे यूज किया मैंने यहाँ पे, तो वे क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये रमेश है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है यह, वह, ये, वे आदि, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले सर्वनाम की तरफ, जो अगला है फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें पता नहीं चलेगा। अब समझेंगे इसको, देखिए, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल कोई, कुछ, आदि, ठीक है, इसमें कुछ पता थोड़ी चल रहा है, कोई, कुछ, आदि, ठीक है। जैसे कि आपको पता चल रहा है एक प्रश्नवाचक टाइप का ही वर्ड मिल रहा है हमें, तो कैसे पता चलेगा कि ये डेफिनेट है या नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे सर्वनाम कहलाते हैं इनडेफिनेट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड्स। जिसका इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको, देखिए, दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है, उसने कुछ नहीं खाया है, ठीक है, दरवाजे पर कोई आया है, इसमें कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, उसने कुछ नहीं खाया है, इसमें कुछ नहीं क्या हो गया, कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें शब्द समूहों का उपयोग होता है फ्रेंड्स, इसकी जो पहचान होती है आप कैसे करेंगे, इसमें वर्ड ग्रुप यूज होता है, शब्द समूह यूज होता है, जैसे सिंगल वर्ड यूज नहीं होगा, आप देखेंगे कुछ कुछ, सब कुछ, हर कोई, जब कोई, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ये इसकी पहचान है, ठीक है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सर्वनाम की तरफ, जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो रिलेशन बताते हैं प्रोनाउन, ऐसे रिलेशन को बताते हैं वो बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका डेफिनेशन है फ्रेंड्स, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड से रिलेट करके एक संबंध, एक बॉन्ड, एक रिलेशन बना रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल जो, सो, ठीक है, देखिए दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन रहेगा सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल इसका जब समझ में आपके अच्छे से आएगा, जो कर्म किया सो फल मिले, ठीक है, जो कर्म किया सो फल मिले, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी वैसी, दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है फ्रेंड्स, रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड्स। जो कर्म करे वो फल मिले बोलते हैं हम, सो फल मिले, ठीक है, जो जो सोवत है वो खोवत है, ठीक है, जो वो, तो ऐसे जो मैं बता दिया आपको, जो युग्म बनाते हैं शब्द, युग्म और संबंध दर्शाते हैं, उनको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला जो सर्वनाम है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं उसकी तरफ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मली है, पता चल जाएगा। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि, ठीक है। जैसे उदाहरण मैं आपका दूं, कौन आने वाला था, उसने क्या कहा था, पानी में क्या था, तो इन सभी में क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य आ रहे हैं, तो सॉरी प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पे होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम फ्रेंड्स। अगला जो है फ्रेंड्स, लास्ट है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए ही उपयोग हो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता चला निज मतलब अपना, अपने लिए, फॉर सेल्फ, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए ही उपयोग होते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे उत्तम पुरुष वाले आप, उत्तम पुरुष वाले पुरुष वाला, पुरुषवाचक में जो आप होता है और इस वाले आप में अंतर होता है, ये सेंटेंस से आप पहचानेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसका उदाहरण दूँ आपको, तो उदाहरण बनता है यह कार्य या यह काम मैं आप ही कर लूँगा, यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मैं मेंशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाला जो होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम की पहचान, ठीक है। आप इसको मेंशन ना करें उत्तम पुरुष वाले आप से पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तो सेंटेंस को पहचानना सीखें। अपने लिए जो यूज होते हैं फ्रेंड्स शब्द वो कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है।
देखिए मैंने यहाँ पे नीचे बताया भी है, यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं का बोध कराता है, अतः पुरुषवाचक मध्य न समझा जाए, ठीक है, मध्यम पुरुष न समझा जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं का बोध कराता है, अतः पुरुषवाचक मध्यम पुरुष न समझा जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहे हमारे सर्वनाम, तो कंप्लीट हो गए, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आप बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ, देखते हैं आप लोगों ने कितना एब्जॉर्ब किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं फ्रेंड्स सर्वनाम, ठीक है। बढ़ते हैं अगला, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे किस प्रकार का है फ्रेंड्स, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, तो मुझे है फ्रेंड्स किसका, उत्तम पुरुष का, ठीक है ध्यान रखेंगे उत्तम पुरुष। अगला है फ्रेंड्स, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स आप बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के फ्रेंड्स होते हैं 6 भेद, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह कहाँ कब कैसे, ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मैंने आपको बताया यह एक कुर्सी है या यह मेरा घर है, यह है एक निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है देखिए, यह बल्ला मजबूत है, वाक्य में यह क्या है, तो ऑप्शन है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया, ठीक है, तो यह बल्ला मजबूत है, तो यहाँ पे देखिए यह यूज हो रहा है जो कि एक निश्चित सर्वनाम है फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, जो किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके संबंधवाचक, निजवाचक, भाववाचक, पुरुषवाचक, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, संबंधवाचक। मैंने आपको बताया जो सो, जो वाक्य को कंप्लीट करते हैं एक दूसरे के पूरक होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो सोवत है वो खोवत है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ रिलेट होने वाले में होता है संबंधवाचक, तो इसका सही आंसर हुआ संबंधवाचक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तुम घर जाओ किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है फ्रेंड्स, तुम घर जाओ, तो मैंने आपको बताया तुम, आई होता है मैं, जो कि होता है उत्तम पुरुष में याद रखना, ठीक है, उसका जस्ट चेंज हो जाता है किसमें, मध्यम पुरुष में, ठीक है, तो तुम यू, आई का यू हो जाता है ना, आप देखते हैं इंग्लिश में अगर चेंज करें हम, तो आई सिंगुलर है और यू क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मध्यम पुरुष, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर सेट था साथ में, और सर्वनाम आज हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई और फैक्ट पकड़ेंगे, क्रिया विशेषण या अन्य चीज़ें का मैं वीडियो दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक देना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी ही आप सक्सेस होंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।